ऑक्सीडेशन अ स्टेट ऑफ 16 ग्रुप, यानी 16वां ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। और 16वां ग्रुप में है बच्चों ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, 16 होता है, 34, 52, 84। और याद करने का जो ट्रिक है बच्चों, ओ सनम से तेरा पोल खोल दो, ओ सनम से तेरा पोल खोल दो, है ना, कितना आसान है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ऑर्बिट का निकालते हैं बच्चों, 2s2 2p4। इसका एक एक बढ़ाते चलिए, 3s2 3p4 3d, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आता है, 4s2 4p4 4d वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें 5s2 5p4 5d, है ना, इसमें हो जाएगा 6s2 6p4 6d। डी लिखिए अन्यथा न लिखिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटी हो जाएगा NS2 NP4, यानी इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 6 हो गया, है ना, यानी वैलेंसी इसका 2 हो गया। अब कहता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 6 से 8 होने के लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं तो फिर शेयर करेगा। अगर गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है निगेटिव, है ना, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर शेयर करता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से 8 होने के लिए 2 गेन करेगा, लेगा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, -2, है ना। अब एग्जांपल में बच्चों देख लीजिए, Na2O MgO CaO ATC, है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो होता है, है ना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कहता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, तो ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इस ग्रुप में सबसे अधिक किसका है, ऑक्सीजन है, इस वजह से ऊपर से नीचे जब आते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। अब बच्चों इसमें होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होता है -1, तो यहाँ देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड Na2O2, है ना, इस सब में क्या होता है -1, लेकिन ये सब जो है रेयर केस है, है ना। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट O2 हो गया, O2 या O3, ये तो बच्चों समझ गए। अब कहता है +2,
और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा, जब शेयर करेगा, है ना। और शेयर करेगा तो स्वाभाविक है ओ एफ टू। अब इसमें बच्चों दो एलिमेंट, एक ऑक्सीजन है और एक फ्लोरीन है ना, और दोनों अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ए दोनों में सबसे अधिक फ्लोरीन है, सबसे अधिक फ्लोरीन है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन तो माइनस रहेगा ही, इसको प्लस बना देगा, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, प्लस टू, प्लस वन, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगा। तो बच्चों ओ टू एफ टू इसमें निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। अब बच्चों यहां ए चार एलिमेंट जो है प्लस सिक्स एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है, प्लस फोर एंड प्लस सिक्स, लेकिन बच्चों यहां तक नोट किया। अब बच्चों यहां देखेंगे प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे सल्फर है, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहां हम लोग सजाए हैं 3s2 3p4 3d0, है ना। s ऑर्बिटल के लिए एक घर बनाएंगे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको समझना जरूरी है बच्चों, अगर हुक्स रूल नहीं देखे हैं तो, है ना। इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, पहले इसमें भर देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर देंगे, और डी में पांच घर होगा, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये हो गया बच्चों ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, है ना। अब यहां देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों दो है, स्वाभाविक है एस एफ टू बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। अब कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पी और वाइटल का एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा डी में, यानी इसमें एक दो तीन चार पांच, है ना। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4, यानी एस एफ फोर, है ना। इसी प्रकार से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, चलिए सब इलेक्ट्रॉन सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बच्चों एक दो तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक इलेक्ट्रॉन तो था और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिक्स हो गया एसएफ सिक्स। तो प्लस फोर और प्लस सिक्स कैसे बना रहा। अब कहता है कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है बच्चों, यानी ऊपर से नीचे अगर बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, तो कहता है इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी, पूछेगा क्यों, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन प्लस सिक्स की बात है ना, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो कहता है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो प्लस सिक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है, यही है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट।